हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पावर और मैं विकास। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं ढेर सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं स्कूल अवेयरनेस से रिलेटेड। जो आपका सीबीएसई का एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का हो, उसके बाद आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, उसमें आपके लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो 10 नंबर के रखे गए हैं सीबीएसई के अंदर, उस 10 नंबर में आपको अपनी योग्यता यानी कि अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं और कुछ क्वेश्चन आपके फैक्चुअल भी होंगे, यानी कि स्कूल लेवल पर सोच कर आपके क्वेश्चन करने हैं। तो उसी की सीरीज मैं यहाँ पर चला रहा हूँ अपने चैनल पर, जिसमें लगभग 10 के आसपास वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उनको जाकर देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या अनुराग पैदा करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, यानी कि जो छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग, अनुराग मीन्स होता है प्रेम, यानी कि जब बच्चों का प्रेम पैदा होगा पढ़ाई के प्रति तभी वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगे। ये आपको इसमें याद रखना है। इस तरीके से आपको सिर्फ सोचने भर के लिए ये चीज़ करनी है, आपका आंसर जो है सामने दिख जाएगा। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदाप नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। यानी कि बताया कि कोई छात्र अगर निजी समस्या सुनाता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर बी, यानी कि आपको सदैव सुनना होगा उसकी समस्याएं क्या हैं, घर की समस्याएं क्या है। वो अगर कोई भी समस्या बताता है तब भी आपको वहाँ पर सुनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, यानी कि जो प्राचीन काल थी उसमें औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था। ऑप्शन है बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण, व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर ले लेते हैं वो हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी, यानी कि धार्मिक संस्कारों का ज्ञान जो था ये जो पुराने समय में चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गणित के शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति जो है वो अपनानी पड़ेगी, यानी कि सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, अल्गोरिदम, सन्वेषण रणनीति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गणित शिक्षक के लिए वो हो जाएगा अल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, एक प्रभावकारी शिक्षण फलन जो है वो क्या होता है। स्पष्ट एवं यथातथ संप्रेषण का, उचित कक्षानुसार का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए, यानी कि स्पष्ट एवं यथातथ संप्रेषण का। यहाँ पर जो प्रभावकारी शिक्षा प्लान है वह स्पष्ट एवं यथातथ संप्रेषण का। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो हिंदी में बनाइए, कुछ लोगों ने कहा इंग्लिश में बनाइए। तो मैं दोनों तरीके से वीडियो मैं आपको बना कर दिखा चुका हूँ, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की डाल्टन विधि द्वारा विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। जो शिक्षण की डाल्टन विधि थी उसका श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन है डॉक्टर डाल्टन, पार्कहर्स्ट, किलप्रैटिक या फिर पेस्टालॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि पार्कहर्स्ट। तो यहाँ पर डाल्टन जो विधि है वो डाल्टन के द्वारा शुरू नहीं करी गई है, ये पार्कहर्स्ट के द्वारा शुरू करी गई थी। तो ज़्यादातर लोग इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, डॉक्टर डाल्टन यहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, यानी कि जो शिक्षा की खेल विधि का जो अर्थ है वो क्या है। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए, यानी कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा जो होती है वो शिक्षा की खेल विधि का जो अर्थ है, शिक्षा की खेल विधि के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवी के अनुसार शिक्षा एक है। तो डेवी ने शिक्षा को परिभाषित किया था, उन्होंने बताया कि डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक अवस्था है, व्यक्तित्व अवस्था है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है या फिर सैद्धांतिक अवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर ले लेते हैं वो हो जाएगा यहाँ पर आज मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है डेवी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। तो बच्चों का जो प्रथम अध्यापक होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप
या फिर उनके अध्यापक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनके माँ बाप, यानी कि बच्चों का सबसे पहले जो अध्यापक होता है, सबसे पहले जो उसको सिखाता है कुछ, तो उसके माँ बाप होते हैं। इसीलिए कहा जाता है संस्कार बहुत मैटर करते हैं। अगर एक अच्छे घर का बंदा है जिसको को बढ़िया से संस्कार दिए गए हैं, तो आगे चलकर ज़रूर ही उसके अंदर संस्कार वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है डाल्टन, जॉन डेवी, फ्रॉबेल, एनी बेसेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉबेल, यानी कि नर्सरी स्कूल की जो शुरुआत की गई थी वो फ्रॉबेल के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन है अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या फिर धार्मिक शिक्षा की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, यानी कि जिस स्टूडेंट जो जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उसका चरित्र कैसा हो, उसका हाव भाव कैसा हो, उसके विचार कैसे हैं, उसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रभावित होते हैं कि उनके टीचर क्या करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर जो होते हैं वो अच्छा बिहेव करते हैं ताकि उनसे जो निकली हुई शिक्षा है वो बच्चों में भी अच्छी ही प्रसारित हो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले जब उसे कोई अनुशासन भंग करने के लिए दंड दिया जाता है, तो ऐसा दंड यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है? शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? शिक्षण में का समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ प्रभावित होना, पाठानाध्यापक तथा अध्यापकों के बीच संबंध खराब हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाता है अगर शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है? तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समाज के सभी वर्गों का जो है जो कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। तो आपको पता होगा कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो आगे चल के वो कई लोगों को शिक्षित करता है, इसी वजह से यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है किस चीज़ से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रोता के स्तर को जानकर, यानी कि जो श्रोता है उसका अगर लेवल जान जाते हैं, उसका स्तर जान जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो प्रभावी संप्रेषण है वो संभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्तमान समय में आपको पता होगा जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी शिक्षा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा चल रही है, उसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों का भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर डी, यानी कि शिक्षक छात्र का विषम अनुपात जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसा कि रिपोर्ट्स आती रहती है कि जो शिक्षक हैं वो छात्रों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है, तो कम ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो एक बताया गया था कि 40 बच्चों पे एक जो है स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, 40 बच्चों पे माफ़ कीजिएगा एक टीचर यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा मैंने आपको बता दिया है एक वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा, यानी कि अगर आप स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो आपको सीखने का अवसर, व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ विकास में सहायता मिलती है, इसी तरह आंसर डी जो है इसका हो जाएगा, यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। और स्कूल लेवल पर ही आपको सोच कर सारे के सारे आंसर देने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है प्राइमरी व प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कि प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का
लक्ष्य होना चाहिए, उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जो भारत में शिक्षित बेरोजगारी है बहुत ही ज़्यादा है आजकल, बेरोजगारी की तो आप जानते हैं क्या है, क्या स्तर हो गया है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती है वो उद्देश्यहीन होती। तो आपको पता हो कि जो शिक्षा लेते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि उनको 12th पास करना है, उनको ग्रेजुएट हो जाना है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, आगे चल के क्या उद्देश्य है, क्या बनना है, वो डिसाइड नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो शिक्षित बेरोजगारी वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन है समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या फिर सरकार के प्रति। तो अध्यापक जो मुख्य रूप से जवाबदेह होते हैं वो समाज तथा छात्रों के प्रति, समाज और छात्रों के प्रति वो जवाबदेह होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 के 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जल्दी एक नई वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पर, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।